सो दोस्तों, अगर आप एक बिगिनर्स हो या इंट्राडे ट्रेडर हो या शॉर्ट सेलिंग करना चाहते हो, यानी कि किसी भी स्टॉक को इंट्राडे में सेल करके बाय करके प्रॉफिट करना चाहते हो, यानी कि कोई भी स्टॉक गिर रहा है, ठीक है, गिर रहा है, तो उसे सेल करके बाय करके कैसे प्रॉफिट करेंगे, सो वो वाला स्ट्रेटजी आज हम लोग जानेंगे एकदम इजी वे में, और एकदम 500 से 600 में लगा के कैसे यहाँ पे सीखना है, और कैसे आप लोग को उसके बाद 10,000 या 20,000 लगा के कैसे प्रॉफिट करना है, वो मैं लाइव मार्केट में आप लोग को बताने वाला हूँ। सो दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर आप लोग बाइंग या सेलिंग करना चाहते हो या ऑप्शन ट्रेडिंग का स्ट्रेटजी सीखना चाहते हो या इंट्राडे स्ट्रेटजी, तो मेरे चैनल पे हर प्रकार का वीडियो मिल जाएगा। सो दोस्तों, आप लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। और देखो, ऑप्शन सेलिंग क्या होता है, ऑप्शन शॉर्ट सेलिंग क्या होता है, जैसे कोई स्टॉक है 100 रुपये का, ठीक है, 100 रुपये चल रहा है, अब वो गिर के 90 रुपये वो हो गया, तो यहाँ पे जैसे मैं 100 रुपये पे लिया और वो 90 पे आ गया और उसे मैं वहाँ पे बाई कर लिया, तो मुझे 10 रुपये का प्रॉफिट हो गया ना। अगर एक स्टॉक लिया तो मुझे 10 रुपये का, अगर 10 लिया तो 100 रुपये का, अगर 100 लिया तो 1,000 रुपये का प्रॉफिट, कुछ इस तरह से। सो दोस्तों, कुछ इस तरह से हम लोग शॉर्ट सेलिंग अब भी करेंगे अपने फ़ोन में, और लाइव मार्केट में कैसे शॉर्ट सेलिंग करके प्रॉफिट करेंगे वो भी हम लोग सीखने वाले हैं। सो दोस्तों, यहाँ पर कोई स्टॉक, जैसे आप लोग को बहुत सारा स्टॉक मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे देखने के लिए मोस्ट अबाउट वन ग्रो, तो आप लोग को इन सब में शॉर्ट सेलिंग नहीं करना है, आप लोग को इन सब में शॉर्ट सेलिंग नहीं करना है, ये सब दिखेगा लेकिन इन सब में आप लोग को कदापि नहीं करना है। आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे नीचे आना है और आप लोग को गेनर्स और लूजर्स मिलेगा, ओके गाइस। तो आप लोग को क्या करना है, गेनर्स और लूजर्स में आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, लूजर्स में जाना है, उसके बाद आप लोग को स्मॉल वाले पर क्लिक कर देना है, स्मॉल वाले पे क्लिक कर देना है, उसके बाद आप लोग को यहाँ पे क्या करना है, सी मोर पे क्लिक कर देना है, ओके गाइस, सी मोर पे क्लिक कर देना है, और सी मोर पे मैंने क्लिक कर दिया। जैसे देख सकते हो ये वाला स्टॉक है HFCL, ओके, HFCL, ये वाला स्टॉक में मैं चाहता हूँ आज शॉर्ट सेलिंग का पोजीशन बनाऊँ, ओके गाइस, शॉर्ट सेलिंग का पोजीशन बनाऊँ, तो आप लोग को यहाँ पर सेल करना है, ओके गाइस, सेल करके बाय करना है, ओके, सेल करना है, अभी मैं सेल करता हूँ। अगर सेल करने के बाद ये अभी देख सकते हो इसमें इंट्राडे, यहाँ पे इसमें जो है इंट्राडे का ऑप्शन अलाउ ही नहीं है, तो इसमें हम लोग नहीं करेंगे इंट्राडे गाइस, तो इसमें हम लोग इंट्राडे नहीं कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कुछ इस तरह से, इसमें हम लोग इंट्राडे कर ही नहीं सकते हैं। सो गाइस, उसमें इंट्राडे नहीं कर सकते हम लोग, शॉर्ट सेलिंग का पोजिशन उसमें नहीं बना सकते, तो अब किस में वो शॉर्ट सेलिंग का पोजिशन बनाए। सो गाइस, ध्यान से देखना कैसे करना है आप लोग को, यहाँ पर ये मेरा ग्रो एप्लीकेशन है, सो इसमें से कोई भी स्टॉक गिर भी रहा होगा तो उसमें से करना नहीं है, ये बात सुन लेना, ओके, और ध्यान से सुनना आप लोग, ध्यान से देखना, ओके। सो ये सब स्ट्रेटजी भाई कोर्स लोगे 10,000-20,000 के तब आप लोग को बताएगा। सो लूजर्स पे जाना है, उसके बाद आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, उसके बाद फिर से आप लोग को सी मोर पे क्लिक कर देना, ओके, सी मोर पे क्लिक कर देना, और चार्ट जो है आप लोग को यहाँ पे से ही देखना है, जिस किसी का चार्ट नीचे जा रहा होता है तो उसमें आप लोग को शॉर्ट सेलिंग का पोजीशन बनाना है, ओके, शॉर्ट सेलिंग का पोजीशन उसमें ही बनाना है। रेस्टोरेंट ब्रांड में देखते हैं तो इसमें क्या बन रहा है शॉर्ट सेलिंग का पोजीशन, सो गाइस इसमें भी बन रहा है शॉर्ट सेलिंग का पोजीशन, यहाँ पे देख सकते हो सेलर बहुत ज़्यादा है बायर के कॉम्पिटिशन में, यहाँ पर देख सकते हो सेलर बहुत ज़्यादा है, तो इसमें भी हम लोग शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे कैंडल देखना पड़ेगा, यहाँ पे कैंडल वगैरह कैसे देखना है वो सब तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, लेकिन शॉर्ट सेलिंग करके बाय, यहाँ पे सेल करके बाय कैसे करना है ये मैं आज आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ओके गाइस। यहाँ पे मैं आप लोग को यहाँ पे सो कुछ इस तरह से धीरे धीरे गिर रहा होता है तो उसमें मुझे नहीं करना है यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग, तो मुझे जो ज़्यादा मूव कर रहा है महंगा लेना है लेकिन अच्छा लेना है। सो ये वाला स्टॉक देख सकते हो, ये वाला अभी तो ऊपर जा रहा था, सो ये वाला स्टॉक देख सकते हो इसमें नहीं करना है, इसमें क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो, इसमें देख सकते हो आप लोग को यहाँ पे बायर और यहाँ पे सेलर बराबर है आप लोग को दिख रहा है, तो इसमें हम लोग को नहीं करना है यहाँ पे। सो गाइज, एक ही दिन में हम लोग को लेना है और एक ही दिन में बेचना है, सो गाइज मुझे इसमें नहीं करना है, अगर कोई और स्टॉक अगर मिल जाए, अगर इसमें से ही मिल जाए, इसमें से ही मिल जाए NBCC, इसमें से ही मिल जाए तो इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन इस समय ज़्यादा अच्छा मिलेगा नहीं, तो इस समय से आप लोग को करना भी नहीं है गाइस। यहाँ पे लूजर्स में आप लोग को देख सकते हो, लूजर्स से आप लोग को देखने को मिल रहा है, और आप लोग को यहाँ पे सी मोर पे क्लिक कर देना है, ओके, सी मोर पे क्लिक कर दिया हमने गाइस,
टॉप लूजर्स देखने को मिल रहा है यहाँ पे। इस ये तो यहाँ पे देख सकते हो, इसमें आप लोग को यहाँ पे ये ज़्यादा ना ऊपर जा रहा ना नीचे, एकत्रित यहाँ पे बैठा है। सो गाइज, पोजीशन लेने से पहले आप लोग को मैं दिखाता हूँ, थोड़ा टाइम लग रहा है गाइज स्टॉक को ढूंढने में, कोई बात नहीं, आप लोग ये भी सीख रहे हो कि स्टॉक को कैसे ढूंढना है। सो गाइज, यहाँ पे आप लोग को पहले तो मैं स्टॉक को ढूंढ लेता हूँ, ओके गाइज। सो गाइज, एक स्टॉक मुझे मिल गया है, वो भी लेकिन महंगा है, कोई बात नहीं, इसमें देखते हैं सेलर यहाँ पे ज़्यादा है बायर के कॉम्पिटिशन में। सो दोस्तों, इसमें मेरा स्ट्रेटजी चलता है या नहीं ये भी हम लोग देखते हैं। सेलिंग कर यहाँ पे देख सकते हो, अभी जो ये गिर रहा है, सेल करके बाय करेंगे। अगर सेल करते हो तो मार्केट को नीचे जाना होगा, अगर सेल करने के बाद मार्केट ऊपर जा रहा है तो मुझे लॉस होगा। सो गाइस, अभी आप लोग के सामने में मैं सेल करूँगा, यहाँ पे देख सकते हो, सेल करूँगा आप लोग के सामने में, सेल यहाँ पे क्लिक करूँगा, एक स्टॉक लूँगा इंट्राडे में, बस एक ही स्टॉक, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो लूँगा 2700। यहाँ पे जो है प्राइस लिमिट आप लोग को सेट कर देना है, प्राइस लिमिट आप लोग को बस एक या दो स्टॉक को आप लोग पहला दिन यहाँ पे स्ट्रेटजी में लाना है 2700। यहाँ पे देख सकते हो कैसे यहाँ पे गिर रहा है ये मार्केट, 2729 का था, 2730 का, यहाँ पे देख सकते हो कैसे ये अभी गिर रहा है, कैसे यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे सेल ऑर्डर्स यहाँ पे बढ़ रहे हैं। सो गाइस, यहाँ पे सेलिंग में अभी सेलिंग पोजीशन बनाता हूँ, जैसे मैं एक स्टॉक लेता हूँ, ओके, इंट्राडे में, डिलीवरी में कभी भी सेल नहीं होगा, ये मैं आप लोग को लिख के देता हूँ, ओके। सो यहाँ पे देख सकते हो 2725 पे मैं ले लेता हूँ, ओके गाइस, 2725 पे मैं सेल कर देता हूँ, 2725 पे अगर ये जाता है फिर से तो ये सेल हो जाएगा। सो यहाँ पे मैंने 2725 पे लगा दिया, अगर ये 2721 पे आ गया, यहाँ पे देख सकते हो अभी 2724 पे है, अभी मैं देखता हूँ इसे मॉडिफाई कर देता हूँ, ओके गाइस, 2722 पे आ गया, फिर से 2724 कर देता हूँ, ओके, मे बी आ जाए यहाँ से, 8 मार्केट प्राइस यहाँ पे 2724 पे मे बी आ जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आएगा ये। सो यहाँ पे ये नहीं आ रहा है, पोजीशन भी मेरा नहीं हुआ है, नहीं बना है, यहाँ पे देख सकते हो। सो ये तो आप लोग सीख रहे हो ना कैसे यहाँ पे सेलिंग और बाइंग यहाँ पे काम करता है, ये वाला इसलिए काम कर रहा है क्योंकि सेल ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं। सो इससे बाद में हम लोग मॉडिफाई भी कर सकते हैं ऑर्डर्स को, यहाँ पे मॉडिफाई भी कर सकते हैं, अभी में हम लोग मॉडिफाई भी कर सकते हैं, यहाँ पे मॉडिफाई ऑर्डर कर सकते हैं, यहाँ पे 2700, जैसे मैं 22 कर देता हूँ, ओके, 2722, ओके गाइस, 2722 कर दिया। अब देखो 2722 पे अगर ये बाय हो जाएगा तो, अगर उससे मार्केट नीचे जा रहा है तो मुझे प्रॉफिट होगा, अगर उससे ऊपर जाएगा तो लॉस होगा। सो गाइस, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग के सामने मैंने ले लिया है, यहाँ पे अभी आप जो है ये बाय होगा, कन्फर्म ये बाय होगा, अभी आप लोग के सामने में सेलिंग पोजीशन में बना रहा हूँ। इसी स्टॉक को अगर 10-20 ले लोगे तो आप लोग को यहाँ पे 5 पैसे अगर ये ऊपर जाएगा तब जाके ये बाय होगा। सो अभी तक ये बाय नहीं होगा हुआ है गाइज। सो गाइज, यहाँ पे कुछ इस तरह से 5-10 पैसे ऊपर नीचे करते हैं ये स्टॉक्स, मॉडिफाई फिर से कर देते हैं कुछ इस तरह से। हाँ गाइज, ये बाय हो गया होगा क्योंकि 5 पैसे ऊपर गया था। सो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग के सामने मुझे प्रॉफिट और लॉस सब कुछ दिखेगा, मात्र एक यहाँ पे एक स्टॉक लेके दिखाया हूँ, क्योंकि ज़्यादा आप लोग को यहाँ पे क्या करना है, बस सीखना है शॉर्ट सेलिंग कैसे करना है गाइज। यहाँ पे देख सकते हो शॉर्ट सेलिंग का पोजीशन कैसे मैंने लिया है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सेल ऑर्डर्स यहाँ पे देख सकते हो, क्यों यहाँ पे ये जो है, क्यों यहाँ पे कुछ इस तरह से देख सकते हो क्यों बढ़ रहे, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो अभी मेरा जो है 1.60 रुपये के करीब यहाँ पे देख सकते हो मुझे प्रॉफिट हो रहा था, 0.60 रुपये करीब लॉस दिखा रहा है। सो अब जो स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों हम लोग को लगा देना, ओके गाइज। अब स्टॉप लॉस मुझे लगाना है कितने पे, यहाँ पे एड स्टॉप लॉस मुझे लगाना है कितने पे, यानी कि अगर यहाँ से मार्केट, जैसे यहाँ से मार्केट अगर ज़्यादा ऊपर जाएगा तो मुझे लॉस दिखाएगा, तो एड स्टॉप लॉस मुझे एड स्टॉप लॉस ऊपर लगाना होगा, ओके गाइज, ऊपर लगाना होगा एड स्टॉप लॉस। सो मुझे 2730 का स्टॉप लॉस रहेगा, ओके गाइज। सो यहाँ पे 2730 पे मैंने बाइंग लगा दिया स्टॉप लॉस। अब जो है यहाँ पे टारगेट कितने पे लगाना है, मुझे जो है टारगेट कितने पे, एग्जिट पे क्लिक कर देना है, टारगेट आप लोग को यहाँ पे मैं लगा देता हूँ 2710 पे, ओके, 2710 पे ऐसे यहाँ पे टारगेट लगता है गाइज।
2710 पे मैंने लगाया, अभी 2725 पे है। सो कुछ इस तरह से ये ऊपर जा रहा है, सो मुझे लॉस दिखा रहा है। सो ये ऊपर क्यों जा रहा है, सो मैंने तो अभी दिखाया है यहाँ पे कैसे बाइगर। सो यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो टारगेट लगा है यहाँ पे, स्टॉप लॉस लगा है यहाँ पे 2730 पे और टारगेट 2710 पे। टारगेट नीचे क्यों लगाया, क्योंकि सेलिंग का पोजीशन बनाया है मैंने सेलिंग का। यहाँ पे देख सकते हो क्रिएट पे जाना है, यहाँ पे देख सकते हो, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो सेल ऑर्डर जो है यहाँ पे जो है 59 पे हो गया है। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एक रुपये कुछ पैसे पे यहाँ पे लॉस दिखा रहे हैं हमारे। सो गाइज यहाँ पे कुछ इस तरह से वेट करेंगे तो स्टॉप लॉस हिट होगा या टारगेट हम लोगों का। सो गाइज लेकिन आप लोग को ऐसे ट्रेडिंग नहीं करना है, ऐसे बिल्कुल भी आप लोग को मुझे लगता है कि हाँ ये ऊपर जाएगा या नीचे। सो ऐसे कदापि आप लोग को यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं करना है, मैं बस आप लोग को शॉर्ट सेलिंग करना सिखा रहा हूँ, शॉर्ट सेलिंग कैसे करते हैं गाइज। सो शॉर्ट सेलिंग आप लोग को कोई नहीं बताएगा शॉर्ट सेलिंग करना, सो मैं ही बता रहा हूँ यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग कैसे करते हैं। मार्केट गिर रहा है तब भी जाके यहाँ पे अगर मैं 29 पे लेता तो अभी 9 रुपये एक स्टॉक में यहाँ पे प्रॉफिट होता, वही 500 लेता तो यहाँ पे 4500 करीब यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता। मैं मात्र एक स्टॉक से क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बिगनर्स हैं ना इसमें, इसीलिए। अभी देखो अभी आप लोग के सामने में ये प्रॉफिट होगा, या तो स्टॉप लॉस हिट होगा या टारगेट, अभी आप लोग के सामने में सब कुछ होगा। अभी देख सकते हो यहाँ पे ये जो है सेल ऑर्डर्स ज़्यादा हो गया है, अभी देख सकते हो सेल ऑर्डर्स ज़्यादा हो गया कुछ इस तरह से। यहाँ पे देख सकते हो 3 रुपये प्रॉफिट में दिखा रहा है, यहाँ पे 3 रुपये 40 पैसे। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को यहाँ पे वेट करना है। सो मुझे पोजीशन का डिटेल कैसे देखना है इस पर क्लिक कर देना है, ओके गाइज। इस पर क्लिक करके आप लोग को यहाँ पे पोजीशन डिटेल पे क्लिक कर देना है, पोजीशन डिटेल पे क्लिक कर देना है, ओके। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह से पोजीशन डिटेल मुझे 1 रुपये के करीब प्रॉफिट या लॉस दिखा रहा था। सो गाइज मुझे ज़्यादा यहाँ पे समय ज़ाया नहीं करना है, सो मुझे स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे मुझे यहाँ पे स्टॉप लॉस हटा देना है, स्टॉप लॉस कैंसिल कर देता हूँ और टारगेट मुझे जो भी मिल रहा है 1 रुपये 2 रुपये मुझे वो लेके निकलना है, क्योंकि मुझे बस आप लोग को बताना है, मैं बस आप लोग को बता रहा हूँ। सो मुझे जो है यहाँ पे लगा देना है इसका जो है टारगेट जो है यहाँ पे मुझे मॉडिफाई करके 221 पे लगा देता हूँ, ओके। 2721 पे मैं लगा दिया, ओके। 2721 पे आएगा तो ये सेल हो जाएगा। सो मुझे ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं आप लोग को बस बता रहा हूँ। सो 2721 पे आएगा तो मेरा टारगेट हिट हो जाएगा। सो अभी आप लोग देख सकते हो अभी 2721 पे आ जाएगा ये। सो 2720 पे आ गया था, सो मुझे 1 रुपये का करीब यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। सो 2720 तक आया था। सो मैं अभी रुकूंगा तो इसमें प्रॉफिट हो जाता, लेकिन मैं बस आप लोग को बताने के पर्पज़ से मैं आप लोग के लिए यहाँ पे रुका था, और मैं बस आप लोग को समझाना था कि शॉर्ट सेलिंग कैसे करते हैं। सो गाइज कुछ इस तरह से शॉर्ट सेलिंग हम लोग करते हैं। अब देखते हैं चार्ज कितना लगा। सो गाइज अभी देखते हैं चार्ज कितना लगा। सो आप लोग को चार्ज कहाँ पे दिखाएगा, चार्ज आप लोग को यहाँ पे दिखाएगा, ओके। अभी देख सकते हो कितना चार्ज लगा आप लोग को यहाँ पे, 4.90 रुपये करीब यहाँ पे चार्ज लगा है, क्योंकि वो बहुत बड़ा स्टॉक था इसीलिए। सो गाइज कुछ इस तरह से हम लोग शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। सो गाइज अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और शॉर्ट सेलिंग कैसे करते हैं ये नहीं पता था, तो अगर आप लोग को पता चल गया तो आप लोग प्लीज़ एक कमेंट कर देना। और इतने एक स्टॉक लेकर क्यों बताया, क्योंकि मैं आप लोग को बताना चाहता था। अभी देखो मैंने अभी 300 तो यहाँ पे 2730 पे लेता तो 10 रुपये का प्रॉफिट दिखाता, लेकिन मैं वेट किया आप लोग को बस बता पेशेंस के साथ बताया। सो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में, वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया।